तो नाबू जी रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए, और इधर स्किप करना गाइस, विस्की की पोटी है। गुड मॉर्निंग विस्की। विस्की को ना पंखियों से बहुत परेशानी होती है। ये तो गोलू भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। बोलू जल्दी आ। तो वहां से कालू को भी मैंने खोल दिया है। कालू भी आ रहा है लेकिन उनका भी लॉक लगा हुआ है तो वो ताला खोल रहे हैं। हाँ खोल रहे बेटा, ताला खोल रहे हैं। आ जाओ ना, कुछ जल्दी हो जाती है कि अब आया ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो भैया आज थोड़ा उठने में लेट हो गया क्योंकि रात को 2 बज गए थे सोते सोते, और कालू को ले आई हूँ मैं, गोलू भोलू को, पर हैं कहाँ ये नलायक। कालू तो आ गया, देखो कालू तो आ रहा है। गोलू भोलू, हाँ वो भी आ रहे हैं। पता है वैसे कहने को गोलू भोलू की दीदी मैं हूँ, लेकिन जब वो वॉक पे आते हैं ना और कालू उनके साथ आता है तो फिर वो मेरी नहीं सुनता, फिर वो दोनों कालू को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि जहाँ कालू जाएगा जैसे कालू करेगा वही होगा। कालू हिसाब देख रहा है कि किधर से जाना है प्लॉट में, है ना भोलू। तो हाँ भोलू तो सीधा ऐसे अंधभक्तों की तरह फॉलो करता है कालू को। गोलू कहाँ रह गया? मैं सबको बता दूँ, कालू जी के घर पे फाइनली बच्चा आ चुका है, कल बेबी बॉय आया है। और आप सबको अब डिमांड करनी है कालू से कि कालू सांदा खिलाएगा सबको। कालू चुप चुप निकल रहा है कमर दिखा के, सांदा खिलाएगा, तेरे घर में बच्चा आया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भव्या। भव्या, और आपका? परी। परी, आप कालू की बहन हो? नहीं। पापा और मम्मा हॉस्पिटल गए थे। पापा ध्यान रखते हैं उसका। भैया होने वाला था। हाँ, भैया हो गया तो। भैया हो गया? हाँ। कब आएगा भैया घर? अभी आ जाएगा। आ जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है। अच्छा मेरे को ये बताओ, आप कालू को प्यार क्यों नहीं करते? करते हैं। ध्यान तो नहीं रखते? ध्यान पापा रखते हैं। हाँ। इधर देख के बोलो, ध्यान पापा रखते हैं। हाँ। आप क्यों नहीं रखते? हम बस उसे खाना खिलाते हैं। आप बस उसे खाना खिलाते हो? हम उसके लिए पानी लेकर आते हैं, पापा उनके लिए खाना। अच्छा आप पानी रखते हो, पापा खाना रखते हैं। खाना लेके आते हैं मम्मी से। अच्छा खाना लेके आते और पापा कालू को दे देते हो। हाँ। तो भैया कब आएगा तुम्हारा घर? पता नहीं, आने वाला है। आने वाला है? किसने बताया आपको भैया हुआ है? मम्मी ने बताया था। मम्मी ने बताया था भैया होने वाला है। हाँ, तो आपको कैसे पता भैया ही होगा? हाँ। तुम्हें पता था, तुम्हें पता था भैया होगा। तो आज मम्मा वो करा के लाई, लेकिन मम्मा से भी ना नाबू गंदा हो गया। एक जगह थी गड्ढा था रोहन, वहां पे ये स्लिप हो गया, तो अगर मैं इसको खींचती तो उसका पैर उल्टा सीधा पड़ जाता, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है गंदा हो जाएगा, धोना मंजूर है पर कुछ इंजरी ना हो जाए। टाइम है विस्की की वॉक का, और ये भाई साहब बीच सड़क में धूप के बीच में लेटा हुआ है, बताओ। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करके अब मैं लेती हूँ फिर दवाई। कल मैं दवाई खाना भूल गई थी और मेरा अल्ट्रासाउंड होना था कल, मैं वो भी बोला था कि मेरा अल्ट्रासाउंड होना है कंटिन्यू 6 दिन कल से, और मैं भूल गई। मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं डॉक्टर से एक बार पूछती हूँ कि क्या वो मतलब वही डेट जरूरी थी या फिर अब नेक्स्ट मंथ होगा। और अभी मैं फटाफट, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमने ये प्लान किया है कि आज हम टिल्लू की मम्मी को भी ले जाने का ट्राई करते हैं, अगर वो गाड़ी में बैठ जाती है और ये आपस में नहीं लड़ते हैं। तो हम लोग विस्की को लेके निकल रहे हैं, और रोहन को आज घर पे ही परेशानी हो गई क्योंकि विस्की को बैठाते हुए ना विस्की का सुसु निकल गया, और विस्की का जो सुसु है ना वो आजकल शायद दवाई की वजह से पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा स्मेली हो रखा है, तो रोहन को वोमिट हो गई। हम लोग अभी घर से निकले तो है, अभी एक बार जाएंगे टिल्लू की मम्मी के पास, देखते हैं कि अगर वो बच्चा मिल जाता है तो उसको भी साथ में लेके जाएंगे, अगर बच्चा नहीं मिलता है तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे बिठा पाऊँ। आ गई आ गई आ गई आ गई, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 अभी हॉस्पिटल चलेंगे। टिल्लू आप नहीं जाओगे बेटा? आज 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 हाँ। टिल्लू नहीं, तू नहीं, टिल्लू तू नहीं, तू नहीं, टिल्लू तू बहुत बहुत जानलेवा है। आप चल पड़ो बेटा, टिल्लू तो रुक जा। टिल्लू का मुझे को इसको बिठाना पड़ेगा बेटा, अंदर डॉग है ये लड़ाई कर लेगी। नहीं नहीं आगे बैठी, इतना आगे बिठाना बस, आगे 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 के बैठा ले, पीछे बस उधर बैठा लेना, धरना बस। पहली बारी बैठी होगी गाड़ी में, बस बस बैठ जा। वो देखो टिल्लू को पकड़ रखे है उन्होंने। हाँ अभी पता क्या हुआ, हमने ना टिल्लू की मम्मी को बिठा लिया गाड़ी में, लेकिन विस्की को ना अभी यही नहीं पता चला
कि टिल्लू की मम्मा या कोई अदर डॉग भी है गाड़ी में। गाइस बेटा आपको गाड़ी चलानी है, देखना इसको टिल्लू की मम्मा गाड़ी चलानी है आपको, ये पूरे रास्ते ऐसे ही खड़ी होके आई है। कह रही मेरे को दिख नहीं रहा था अंकल कुछ जो देखना है, तो इधर विस्की और इधर टिल्लू की मम्मी तो हमें फॉलो करती है ब्लाइंडली। आओ बच्चा आ जाओ, आ जाओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो पता ना आज कहाँ जाना है, इसको भी रास्ता याद हो गया, कैसे भागी भागी अपने आप इसको है ट्यूमर क्या, सच में लगा था ना सर। अब हमें एक चीज बताओ, अब हम आपके यहाँ पे भी जूते वूते पहन के आया करें, टी शर्ट चीजें पहन के रोज मिलता है कोई ना कोई। अच्छा उसके नेल्स कट रहे हैं इसीलिए, बहुत इम्प्रूव कर दिया विस्की। अच्छा विस्की को देख रहे हो आप, टिल्लू की मम्मा देखना ऐसे ब्लड निकाल रही है यूट्रस से, और इसकी यूट्रस की हालत तो जब डॉक्टर इसको एग्जामिन करेंगे ना तब दिखाऊंगी मैं। जब रात फीडिंग को ना तब देखा थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ तो टिल्लू की मम्मा रेडी है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अच्छा चला पता ही टिल्लू की मम्मा है, भाई ने पहचान लिया कि अच्छा ये टिल्लू की मम्मा है। तो टिल्लू की मम्मा है, काफी दिन से इनकी पेंडिंग चल रही थी। एंजल एंजल भैया पूछ रहे हैं यू आर बिल्ली और बिल्ला, एंजल नाम किसका होता है, एंजल प्रिया कौन होती है? बहुत प्यारी है, ये कलर कितने प्यारे हैं, कितना पाले। जैसे हम निकलते हैं ना तो एक दो ड्रॉप निकालता है कि लो एक बार तुम मिल लो। हाँ एक बार से बस खाना खिला दो तुम, बस खाने खिला दो। चलो बोला हूँ ना हाथ पकड़ के सीधे से खड़े रहना, आपको मैंने क्या कुछ चाहिए कि चलें घर चलें। दोनों पिटबुल कैसे खेल रहे हैं। हेलो हेलो टिल्लू की मम्मा, हम लोग घर पहुंचे तो हमने क्या देखा, ये छिपकली पता नहीं इसने क्या नया काम सीखा है यहाँ पे सोना, बताओ। अगर ये मुझे नहीं पता यार किसने सिखाया है, और ये अगर नींद की झप्पी में गिर जाए तो देखना कहाँ गिरेगा, ये सीधा पानी में। गोलू का खाना, गोलू जल्दी आ, सुबह की मील वैसे मैंने खिला दी थी लेकिन ये बच्चे हैं ना तो इनका मील टाइम ज्यादा रहता है। हाँ मैं देखना अच्छा मतलब इतना खतरे को खिला रही है तू। ओके 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 ये स्टाइल है आपका, खाना विस्की तू क्यों आ गई यहाँ पे, विस्की आ गई देखने के लिए मेरा खाना किसे दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे बहन तेरा खाना। तो मैं विस्की को फिर से लेके आई हूँ उसको सुसू वगैरह कराने, वैसे तो वो खुद से तो कर नहीं पाती है तो थोड़ा सा मैं उसका पेट वगैरह दबा देती हूँ तो थोड़ा सा निकल जाता है, अदरवाइज वो बैठे बैठे लेटे लेटे कर रही है। लेकिन क्या है कि डॉक्टर ने भी बोला है कि थोड़ा अगर खुद से ट्राई करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो विस्की को वॉक कराने के बाद में फिर मैं अंदर लेके आई क्योंकि आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप है। रोहन यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, इग्नोर करना, और ना वो क्यूटी बेबी छोरी है छोटी सी जीवू निकाल के, है ना गुड्डू। और पता है सच में इसको गोदी में उठा के लाई मैं बेड तक, क्योंकि टाइल्स पे जैसी चल रही है ना तो पीछे वाले दोनों पैर ऐसे फैल रहे हैं और मुझे देख के इतना डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। थोड़ा सा अपने फेस पे कुछ लगाया क्योंकि मेरे को ना टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आज मैंने टैनिंग लगा तो मैंने लगा लिया। और मैं दिखाती हूँ रोहन क्या करते हैं। तो यहाँ पे रोहन कर रहे हैं सुसु पोटी साफ, उसकी ब्राउनी की नहीं विस्की की। हाँ तो यहाँ पे हमने हाँ एक बच्चा और जुड़ गया टिल्लू की मम्मा, उसका नाम हमने ब्राउनी रख दिया। तो क्या रात भर इधर रहती है तो सुसु पोटी सब यहीं करती है। अच्छा अच्छा बेड भी धो दिया क्या, चलो ये भी ठीक किया। तो हमने ना इस बेड में भी पानी निकाल दिया आज, क्योंकि इसमें ना बेड की मेरे को लग रहा है ना बेड की कॉटन कम और सुसु ज़्यादा है तो उससे ना स्मेल बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ जी अरे ये क्या हो रहा है, बाहुबली नहीं बाहुबली तो तुम बन गए, इतनी जान आ जाती है जिम करने वालों में। बस अब कैसे रोकेंगे, बस 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 नहीं है, अरे भाई नहीं है मतलब दीवार से चिपकानी होती है क्या फिर जितने करने वाले में कौन। तो मैंने यहाँ पे रोहन से मैगी बनवाई है, रोहन की मैगी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है हाथों की,
रोहन की गटर दी मैंने, क्योंकि रोहन बाहर धो रहे हैं पानी से, तो मैं तो खा लूँ गरम गरम। इधर आओ नाबू, नाबू इधर आ, नाबू इधर आओ जल्दी, पापा के साथ मम्मा के साथ, नाबू किसी के साथ जाएगा, पापा के साथ जाएगा मम्मा के, फंस गया, पापा के साथ जाता आराम से जाता, तो नाबू ने चूज किया मम्मा को, मम्मा को कुछ ऐसा हो गया कि हमें यहाँ से कालू पागल हो रहा क्या, कालू पागल है क्यों भड़का रहा है भाई, दिनेश को पागल तो यहाँ कुछ ऐसा सीन हो गया है। हम लोग जाने लगे थे वॉक के लिए, लेकिन अब लग रहा है कि शायद कहीं और ही जाना पड़ेगा। हम लोग आज लेट हो गए वॉक के लिए, क्योंकि नवाब साहब ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। कालू तूने तो बिना मतलब कि फट्टों में उंगली मत लगाया कर, ये देखो बदतमीज, नाबू की हार्नेस कैसे चमक रही है, कितनी सही लग रही है यार, ये जनता घूम रही है इधर। अच्छी क्यों बैठी रूटी, जिम से तो आ गया, लेकिन आज क्या गलती हुई मेरे से कि मैं, अरे दरवाजा कैसे खुला हुआ है फिर, अगर तुम कह रहे थे नेहा ने समझाया, हेलो, मेरे को लगा अभी तक दरवाजा बंद ही होगा, अभी आए ये लोग, इन्होंने खोला था, मैं तो जेल में से ही बंद कर दिया। आज के दिन की एंडिंग यहीं पे करते हैं, अभी खाना खाना है, बच्चों को फीडिंग कराना है, रिस्की को भी एक दो बार सुपोर्टिंग कराना है, और उसकी दवाइयाँ वगैरह जो थी रात की वो मैं दे चुकी हूँ। आज का ना दिन थोड़ा सही सा नहीं लग रहा है, मतलब हाँ ऐसे, मतलब मुझे भी परेशान है, हाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग भी प्लीज़ प्रे करो विस्की के लिए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो उसको रिस्पॉन्ड करे। तो बस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और भगवान से बहुत सारी प्रेयर करनी है विस्की के लिए। शुभ रात्रि।